हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शॉप। दोस्तों आज थोड़ी हम बात करेंगे कि एक जो यहाँ पे जो देख सकते हैं जो एक प्रोफेशनल यहाँ पे जो अकाउंट है, सो पहले फेसबुक अकाउंट था जिसको यहाँ पे प्रोफेशनल में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। तो प्रोफेशनल कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे बता दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 52,000 यहाँ पे फॉलोअर्स है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं मोनेटाइजेशन, इसका जो क्राइटेरिया है सो यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है, जैसे कि थंबनेल के माध्यम से देखे होइएगा तो इनेबल नहीं हो रहा है। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका जो क्राइटेरिया है पूरा कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट प्रोफेशनल वगैरह पे, तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चलते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जैसे जाएगा तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने का देख के मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, वेट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे मोनेटाइजेशन आ जाएगा। मोनेटाइजेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइनअप का एक ऑप्शन आता है, सो यहाँ पे साइनअप नहीं है। देखा सकते हैं इन स्ट्रीम एड्स, यानी कि एड के माध्यम से जो पैसा मिलता है, यहाँ पे एक साइनअप का ऑप्शन है जो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे। देखिए स्क्रीन शॉट लेने के बाद यहाँ पे इन साइनअप एड्स पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल, द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मीट। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर पॉलिसी, दिस पेज कैन नॉट बी साइन अप द मोनेटाइजेशन बिकॉज इट इंस्टॉल्ड फॉलोइंग और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कि जिसका जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसके कारण इसको फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको बताते हैं। क्या देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं 5 के फॉलोअर्स खोजता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सो कंप्लीट है, यहाँ पे 5200 फॉलोअर्स है। यहाँ पे सेकंड में देख सकते हैं यहाँ पे 60,000 मिनट खोजता है जो कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मिनट है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन है, ये यहाँ पे 5 और मोर इनिजिबल वीडियो, यहाँ पे बोला गया है कि आप रिसेंटली 30 दिन के अंदर में आप यहाँ पे 5 वीडियो डालना है, जो कि 5 वीडियो है सबका खुद का कंटेंट होना चाहिए, जो फेसबुक है सबको रिव्यू करता है और रिव्यू करने का आपका जो मोनेटाइजेशन जो क्राइटेरिया है उसको मतलब ओपन करता है। तो रिव्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मतलब आप रिकॉर्ड करके अपना वीडियो जो है सो अपने फेस के साथ, ये नहीं कि मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ा मोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ये नहीं कि मतलब वीडियो मतलब घूमना चाहिए, आपका पूरा फेस है सो पूरा मतलब दिखना चाहिए, मतलब बैक साइड ऊपर नीचे मतलब पूरा साइड, मतलब आप जैसे सेल्फी के माध्यम से अपना बोल दीजिएगा और मतलब थोड़ा वीडियो को मतलब कैमरा रोटेट करके अपना चेहरा को फुल रिव्यू कर दीजिएगा। 4-5 वीडियो ऐसा कुछ भी बोल कर आपको अपलोड कर देना है जब तक आपका जो फेसबुक है सबका रिव्यू कर सके। और अब देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो बोला गया है इसमें कि आपका कंटेंट है जो मतलब आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए होइएगा, डायरेक्ट माने कि आप कहीं से भी थर्ड पार्टी ऐप या यूट्यूब से कहीं से भी आप वीडियो लेकर और यहाँ पे आप डाल देते हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे तो सब कुछ तो मिल गया है, यहाँ पे वॉच टाइम आइटम सभी मिल गया है, बट यहाँ पे आपको जो यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है जिसके कारण ये नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका जो थर्ड पार्टी जो है यानी कि आप दूसरे का जो कंटेंट डाले हैं उस कंटेंट को आप डिलीट कीजिएगा, क्योंकि आपका फेसबुक मतलब यूट्यूब के द्वारा नहीं है कि यूट्यूब पर आप डिलीट कीजिएगा तो उसको वॉच टाइम से घट जाता है। फेसबुक में वो सिस्टम नहीं है, फेसबुक में है कि आपका जो एक बार आप क्राइटेरिया पूरा कर लिए हैं तो आपको खत्म नहीं होगा, तो आप इसलिए आपको दूसरा का जो कंटेंट है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो उस पर भेज गया है उसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हम बोलेंगे कि आप डिलीट ही कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको मोनेटाइजेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट है कि आप खुद का कंटेंट डालिएगा और यहाँ पे 30 दिन के अंदर में आपको यहाँ पे 5 अपना खुद का वीडियो डालना पड़ेगा। देख सकते हैं बोला गया लाइव, यहाँ पे आप लाइव भी जा सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं, कैसे भी हो आप यहाँ पे 5 वीडियो डालना है। और उसके बाद क्या करना है, सो हम स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे सी पॉलिसी पे हम चलते हैं, इशू वाले था इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं ऑन ओरिजिनल कंटेंट, देखिए यहाँ पे बता दिया गया आपका क्यों मेरा है स्वयं मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑन ओरिजिनल कंटेंट, यहाँ पे जो कंटेंट है सो मेरा ओरिजिनल नहीं है जिसके कारण यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सो आया हुआ है। तो इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे, सॉरी चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक जाने का बाद हम जी सिंपली जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाने का बाद यहाँ पे सेटिंग में जाने का बाद यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन होगा। देखिए हेल्प एंड सपोर्ट पर जाएंगे, हेल्प एंड सपोर्ट पर जाने का बाद यहाँ पे एक रिपोर्टेड प्रॉब्लम है उस पर जानेंगे, उस पर जाने का बाद सिंपली रिपोर्टेड प्रॉब्लम पर जाने पर देख सकते हैं हाउ रिपोर्ट एगोज, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा रिपोर्ट कॉन्वे कंटेंट ऑन फेसबुक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिपोर्ट प्रोफाइल पोस्ट टाइमलाइन पेज इवेंट कमेंट्स एड्स, तो एड्स ऑन फेसबुक ऑप्शन है इस पे चले जाएंगे, या पेज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एड्स ऑन फेसबुक मेरा है सो नहीं आ रहा है, इस पर जाने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, चलिए यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर पर सिलेक्ट करेंगे,
देखिए आधे पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है सो हम यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कॉपी हम डायरेक्ट किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब जो जो हम बताए हैं कि आपका जो ओरिजिनल जो कंटेंट है उसको कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, जो भी अन ओरिजिनल है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, और 5 वीडियो 1 महीने के अंदर में आप रिकॉर्ड करके 5 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड करके और 5 वीडियो 1 महीने के अंदर में आप अपलोड कीजिएगा ताकि आपका रिव्यू कर सके, और 20 से 30 दिन आप पे वेट कीजिएगा, 1 महीने आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज आप वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।